बात बोलनी थी। हाँ रुको जरा, सबर करो, ये घर ही आने वाली है, थोड़ी गुफ्तगू बाद में कर लेना, अभी फोटो खिंचवा लो प्लीज। लाओ ना, मैं खींचता हूँ। हाँ अच्छे से खींचना। बिल्कुल। भाई मैं बिल्कुल तेरे साथ हूँ, तुझे जितनी बातें करनी है ना कर ले, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलता, बाद में तो बस सुनना ही पड़ता है। ये जोक ना बकवास जोक की कैटेगरी में आता है, रोज सुबह फैमिली ग्रुप में ना ऐसे जोक्स गुड मॉर्निंग के नाम पे भेजे जाते हैं। देखा पता नहीं, पर राकेश तो हमेशा बात कर ही लेते हैं। यू नो आई एम अ वेरी लकी मैन, यू नो वो क्या है ना, हमारा केस जरा एक्सेप्शनल है क्योंकि तन्नू मेरी पत्नी, दैट्स व्हाई। कितने सुंदर लग रहे हैं ना दोनों। राकेश, हाँ एक इम्पोर्टेंट बात तो किसी ने की ही नहीं। क्या? वो आकाश ने एग्री कर लिया है ना कि वो शादी के बाद पल्लवी के साथ उसके घर आके रहेगा, पर मतलब कि उसकी विदाई होगी, तो अगर उसकी विदाई होगी तो फिर बारात कौन लेकर आएगा, हम लोग या अवस्थीज? क्योंकि अगर बारात वो लोग लेकर आएंगे तो फिर आकाश की विदाई कैसे होगी? एक बात बताओ ना, लॉजिकल क्वेश्चन, इतना मतलब जिससे धरती हिल जाए ऐसा क्वेश्चन तुम कहाँ से लाती हो, कैसे सोच लेती हो ये सब? राकेश मजाक मत करो, ये इम्पोर्टेंट बात है ना, डिस्कस करनी बहुत जरूरी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं आकाश की मम्मी से जाके ये बात डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है? ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे। सारी एक्टिंग मुझे ही करनी है क्या? बैड पति वाला जोक भी मार दिया, तुम भी तो कुछ करो डियर पत्नी जी, है ना? पल्लवी, 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 आई नीड टू टेल यू समथिंग। एक्चुअली ना एक लास्ट पल्लवी, आई लव यू। इससे पहले मैं कुछ भी बोलूं, ये समझ लेना कि तुम्हारे बिना मेरे लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, एक्चुअली लाइफ ही नहीं है। लेकिन मैं हमारे इस नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहता, अगर तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दिया तो जिंदगी में कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। पल्लवी एक लास्ट कन्फ्यूजन अभी भी है, आई नो तुम शादी के बाद अपने घर अपने पापा के साथ रहना चाहती हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों को इस बारे में अब तक नहीं पता। पता नहीं ये कन्फ्यूजन कैसे हुआ और होता ही चला गया। इनफैक्ट आज कैफे में भी मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन बता ही नहीं पाया। पल्लवी तुम गुस्सा तो नहीं हो? एक्चुअली शायद हो, आई नो पल्लवी गलती मेरी ही है, लेकिन देखा जाए तो पल्लवी इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। I mean, बात सच की है, हमारे रिश्ते की है, हमारे प्यार की है, और ये रिश्ता हम झूठ से नहीं शुरू कर सकते, राइट पल्लवी? और पल्लवी मेरे पास इस बात का कोई सलूशन नहीं है, बस इतना जानता हूं कि अगर हम दोनों ने फैसला किया है साथ में रहने का तो साथ मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे यार। पल्लवी प्लीज कुछ तो बोलो।
अंकल अंकल वो मैं बस पल्लवी अंकल अंकल ए ए ए अरे पल्लवी कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ, हमारे साथ भी फोटो क्लिक करवाओ। खाली थाली हाथ पकड़ा के दीदी को लग रहा है कि कुसुम के दिल के जख्म भर जाएंगे। अगर ये वो घाव है दीदी, जिसका कोई मरहम नहीं है। आकाश के लिए बहू चुनने का अधिकार मेरा था, और बहू के बजाय आ गया ये आग का गोला, ये ठीक नहीं है। मुझे पता है ये पल्लवी नाम का आग का गोला कैसे फटेगा। बस एक चिंगारी की जरूरत है जो मैं अभी लगा दूंगी, इसका असली चेहरा बाहर लाने के लिए। पल्लवी जरा यहाँ आओगे, मुझे दो मिनट बात करनी है तुमसे। हाँ चल आ जा। अब हमारे घर में घुस ही गई हो तुम। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब बहू बनकर आने वाली हो ना हमारे घर में, तो छोटी सी लिस्ट देनी थी तुम्हें। लिस्ट? ज्यादा 12 दिन ही बुलाए हैं, कुछ 800 या 850 ही होंगे। अब बाराती हैं, तो उन्हें धर्मशाला में तो रख नहीं सकते, इसलिए 5-star होटल बुक कर देना, ठीक है? और बैंक्वेट हॉल भी तो लगेगा, मगर एसी चाहिए। आजकल गर्मी इतनी बढ़ गई, अब क्या बताएं तुमको। तो एसी बैंक्वेट हॉल ज्यादा बड़ा भी मत बुक करना, मगर हाँ ये 850 लोग आराम से आ जाए इतना तो होना ही चाहिए, है ना? डीजे, डीजे कैसे भूल सकती हूँ मैं, थोड़ा डांस वांस होता है तो मजा आता है पार्टी में, है ना? और हाँ ये कैसे भूल सकती हूँ मैं, आजकल तो फैशन है ना ऐसे फंक्शंस में टीवी एक्टरों को बुलाते हैं, तो किसी को बुला लेना, ठीक है? क्या पार्टी हिट रहती है। 151 पंडित जी भी तो रहेंगे, उनका शगुन भर देना, ठीक है? और उनका भोज बस। आपकी शादी हो रही है मेरी, बराबर का हक है इस घर पे और आकाश पे भी। आप जैसी सास हम बहुओं को समझती क्या है? कब तक हम लोग आपकी हुकूमत के नीचे गुलामी करती रहेगी? चाची जी शरबत मत समझना मुझे, साफ हूं मैं। आपने मुझे ये पत्री देकर मेरे स्वाभिमान को ललकारा है। आपको क्या लगा कि मैं अपने पापा की पगड़ी आपके पाँव में रख दूंगी? हाँ, नहीं। थूकती हूँ मैं आपके इस घिनौनेपन पे। कुसुम अवस्थी, अब मैं इस घर में आ रही हूँ ना, तो अब आपकी उल्टी गिनती शुरू। मैं पल्लवी शर्मा भगवान को साक्षी मानकर ये वादा करती हूँ कि लोहड़ी से पहले आपको घोड़ी चढ़ा के अगर विदा नहीं किया तो मेरा नाम भी पल्लवी नहीं। चाची जी, चाची जी, चाची जी, अब ठीक हो? ओह थैंक गॉड, ये सपना था, वरना पल्लवी आज मुझे सच में डस जाती। अब आपको कुछ चाहिए? शरबत लाऊं? ओके, ये लिस्ट मैं एक बार अपना आंटी से फाइनल कर लेती हूँ ताकि लास्ट में कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। आती हूँ। हाँ, बसु, बसु। आंटी जी। हाँ तन्वी। वैसे सच बताऊं तो मैंने ये कभी शादीवादी की बात की नहीं है पहले। अब दीपू दी बड़ी है ना, पर ठीक है, मम्मी जी है मुझे गाइड करने के लिए,
आप बताइए। बताना क्या है तन्वी, सब सिंपल सा करने का प्लान है। सादगी अच्छी लगती है, हम बारात लेकर आएंगे। ओह, तो आप बारात लाएंगे? हाँ तन्वी, रस्म तो यही होती है कि लड़के वाले बारात लेकर आते हैं। अच्छा, तो पल्लवी फिर? पल्लवी की तो डोली उठेगी ना। तो अजीब नहीं लगेगा पल्लो अपनी ही डोली में बैठकर अपने ही घर आ जाएगी तो? ठीक है, ये वैसे ही जाते हैं तो वैसे ही सही। और फिर आकाश भी घोड़ी चढ़कर अपने ससुराल आ जाएगा और फिर वहीं रुक जाएगा। ठीक है आंटी जी, तो फिर आकाश को कौन से रंग की दीवारें पसंद है? वो क्या है ना, पर्दे भी उसी हिसाब से बनवाने पड़ेंगे ना। पर्दे? मैं समझी नहीं तन्वी, तुम्हारे मन में बेटा कैसी टाइप की शादी है? क्योंकि शादी के बाद जब पल्लवी, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो चाची जी कह रही थी कि ओ, मेरी चाल तो उल्टी पड़ गई। सोचा था ये पल्लवी नाम का आग का गोला फटेगा, लेकिन इसने तो मेरा ही भांडा फोड़ दिया, वो भी दीदी के सामने। दीदी मैं तो बस। कुसुम, ये सब तुमने कहा है? दीदी मैं तो बस। अरे चाची जी, आपका ही तो आइडिया था ना, तो आप क्यों मुकर रहे हैं आप? आंटी, चाची का ही आइडिया था कि मारून साड़ी पे बड़ा बॉर्डर है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्यों आंटी? कपड़ों के मामले में ना कुसुम को कोई मात नहीं दे सकता। बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं हमारे कुसुम के, लेकिन मुझ पे सूट नहीं करेगा। तुम पहनो ना। सॉरी चाची जी, मैं समझ गई थी कि आप मेरी टांग खींच रही है। एक मिनट, मैं नहीं समझी क्या चल रहा है। अरे चाची जी मेरे साथ प्रैंक कर रही थी, लेकिन फुल डेली सोप टाइप। कुसुम ना सारा दिन टीवी देखती, किसी भी सीरियल के बारे में पूछ लो, सब बता देगी। चाची जी, जो टीवी सीरियल में होता है ना, वो रियल लाइफ में नहीं होता। बट क्यूट हाँ, एकदम माहौल लाइट कर दिया आपने। अरे हाँ तन्वी, तुम कुछ कह रही थी। तन्नु जी, पल्लो चलो बेटे घर चलते हैं। क्या हुआ पापा, ऑल ओके? ऐसे अचानक? पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ठीक से सोया नहीं हूं, और जब लगता है अब ठीक से सो पाऊंगा तो नींद अचानक उड़ सी जाती है। जी भाई साहब, आपको आराम करना चाहिए, शादी भी पास आ रही है। मैं कल आपको फोन करूंगी, फिर आगे की बातें डिस्कस कर रही हूं। जी। जी। नमस्ते। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। इट्स ओके, हम मैनेज कर लेंगे। तनु, तुम भी पापा के साथ जाओ, उन्हें अनईजी लग रहा है, उनके साथ रुको, और अगर वहीं रुकना पड़े तो रुक जाना। डोंट वरी, मैं घर पे सब संभाल लूंगा। अजीब टैलेंट है मेरे में यार, अच्छी भली होती हुई चीज बिगाड़ देता हूँ। सब 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 गुड़ गोबर कर दिया मैंने। अरे पल्लो को बताना था, पल्लो के पापा को बता दिया, कैसे कैसे बताऊं? चुप चुप क्या बैठो, कुछ बताओ ना, कैसे करूं? क्या बोलूं आप, कैसे क्या मतलब, अब तो घर पहुंच गए होंगे वो लोग। जयदेव अंकल घर पहुंच के पल्लवी को सब बता देंगे, उससे पहले मुझे ही कुछ करना होगा, और मुझे ही पल्लवी को सब कुछ सच सच बताना होगा। पापा आप ठीक हो? मैं अजवाइन लाके दूं? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं बेटे, पता नहीं वहां अजीब सी घुटन होने लगी तो मैं चला आया। अरे पापा, मैं भी वहां इतना कंफ्यूज हो रही थी, वो आकाश की मम्मी कह रहे थे कि वो लोग ना, वो लोग बारात लेकर आएंगे। बताओ, अब मुझे लग रहा है कि एक बार ना सब लोग मिलकर बैठकर डिस्कस कर लेते हैं,
वरना शादियों में क्या होता है, लोग बुरा मान जाते हैं ना। और पापा वो लोग तो पल्लव को डोली में विदा करने की बात भी कर रहे थे। बताओ दी, कुछ अजीब नहीं लग रहा? स्ट्रेंज ना दी? अरे तनु दी, हाँ? इसमें क्या अजीब है? लोग ट्रेडिशनल तरीके से करना चाह रहे हैं ना शादी, वीडियोस और फोटोज के लिए, बस इसलिए कर रहे होंगे। इतना सिंपल नहीं है बेटा, सच तो कुछ और ही है। उसको उसको कॉल कर देता। यार फोन क्या, ऐसी बातें फोन पे थोड़ी किया करते। बोलने वाला कुछ और बोलता है, सुनने वाला कुछ और समझता है। तुम ओके, ओके, समझ गया। तू घर 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 में जाता हूँ। रुकना, अभी घर में जाके और पल्लवी के पापा की तबीयत देखी ना तुमने? वॉइस नोट चाचू, ट्रस्ट मी, वॉइस नोट ना बेस्ट है। हाँ 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 हाँ, मेरी बात सुनो, अगर अंकल की तबीयत ठीक होगी तो वॉइस नोट सुन के मेरे को बुला लेगी मिलने के लिए। नहीं नहीं यार, वॉइस नोट भी ठीक नहीं है यार, वॉइस नोट पे तो क्या करूं चाचू, वॉइस नोट ठीक नहीं, मैसेज ठीक नहीं, घर जाने ठीक नहीं, तो यहीं पे बैठ रहा हूं क्या? चाचू आप समझ क्यों नहीं रहे, ये बात पल्लवी को अंकल बताए उससे पहले मेरा बताना जरूरी है। और चाचू बात बात की नहीं है, बात ट्रस्ट की है। कर, ठीक है, जो भी करना है। पल्लू तुम दोनों ना बहुत प्यारे लग रहे थे, वेरी अडोरेबल। ऐसे तूने पापा को बताया क्या कि तू कितने पैशनेटली आकाश को प्रपोज कर रही थी? दीपुती चुप, दीपुती यार, आपको पता है इसने ना, इसने ना बहुत हमेशा चढ़ा है। पल्लवी कितनी खुश है, ये भी सच से अनजान है, लेकिन शादी के बाद जब पल्लवी को सच का पता चलेगा तो क्या होगा? मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.